हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2013 एसेंशियल ट्रेनिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर सकते हैं और मैन्युअली शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अगर माउस रखता हूँ, यहाँ पे वो मुझे डिस्प्ले कर रहा है ऑटोमेटिकली शेड्यूल टास्क, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं माउस रखता हूँ, सो इट विल बी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली शेड्यूल टास्क। सो मतलब अगर मैं इसके डेट्स यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ, और ये जो आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स और ड्राफ्ट बजट, ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे के साथ लिंकिंग है। सो अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 25 डेज, लेट से 30 डेज का मैं ड्यूरेशन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि उसके मुताबिक ये जो मेरा जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया है। सो उसकी जो एंडिंग डेट है, उसकी जो फिनिशिंग डेट है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा स्टार्टिंग है और ये इसके साथ लिंकिंग है, राइट। और लिंकिंग में भी यहाँ पे आप सब कुछ, सब इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज, दिस इज व्हाट ऑटोमेटिकली शेड्यूल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ 15 डेज, लेट्स से 20 डेज, तो आप देख सकते हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20 डेज का अपडेट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है मैन्युअल शेड्यूल। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और टास्क में मैं जाता हूँ, इंसर्ट टास्क और क्लिक ऑन टास्क। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मतलब मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड, ओके। सो यहाँ पे मैं लेट से रिव्यू requirements, review required with manager meetings, okay। अब उसकी जो starting date है, ending date है, वो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पर मैं type कर सकता हूँ ask for manager, okay। सो यहाँ पर मैंने type किया है ask for the manager, लेकिन उसकी starting date क्या है, ending date क्या है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मान लो कि आफ्टर सम टाइम आई गॉट द स्टार्टिंग डेट, मतलब कि मुझे स्टार्टिंग डेट कौन सी है वो मुझे पता चल गई है। सो यहाँ से, यहाँ पे मैं वो स्टार्टिंग डेट इजीली यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ और एंडिंग डेट जो है वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। लेट से 9 मंथ, 6 डेट और ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली इट हैज शेड्यूल 2 डेज, ओके। सो दो 2 डेज तक की आपकी मीटिंग है विद द मैनेजर, विद स्टार्टिंग डेट, विद एंडिंग डेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर का फिलप्स है, तो ये जो है वो आपकी, ये जो ग्रीन कलर का फिलप्स है वो है आपका मैनुअल शेड्यूल, ये जो है वो है आपका मैनुअल शेड्यूल। और यहाँ पे अगर आप माउस रखोगे, सो इट विल बी गिव्स यू द इंफॉर्मेशन, मैनुअल टास्क, रिव्यू रिक्वायरमेंट विथ मैनेजर मीटिंग्स, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट 2 डेज, एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द मैनुअल शेड्यूलिंग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन एज द टाइम विल बी मूव, एज द टाइम विल बी फॉरवर्डेड, हमारा जो शेड्यूल है वो भी चेंज होता जा रहा है। सो इनिशियली हम सब कुछ फिक्स आउट नहीं कर सकते हैं, ऑल रिसोर्सेज, लोकेशन, वो सब कुछ हम फिक्स आउट नहीं कर सकते हैं। सो उस टाइम इनिशियल लेवल पे हम मैनुअल शेड्यूल कर सकते हैं, और फिर जैसे हम जैसे वो फिक्स आउट होता है, उस मुताबिक हम ऑटोमेटिकली शेड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम मैनुअल शेड्यूलिंग और ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग क्रिएट कर सकते हैं।